अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल परफॉर्म अ प्रैक्टिकल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। एंड सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट इफ देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ सोर्सेज इन द सर्किट देन वी हैव टू कंसीडर इफेक्ट ऑफ वन सोर्स एट अ टाइम एंड देन फाइंडिंग ओवरऑल करंट्स थ्रू डिफरेंट रेजिस्टर्स बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग द करंट डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ दोज करंट्स। तो लेट सपोज हमारे पास एक सर्किट है, तो उस सर्किट के अंदर जो है वो डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास हैं उस सर्किट के अंदर के। ओके, ये दो वोल्टेज सोर्सेज हैं, एक जो है हमारे पास 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और एक जो है 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम की स्टेटमेंट है वो ये है कि एट अ टाइम हमने एक वोल्टेज सोर्स लेना है और दूसरे वोल्टेज सोर्स को उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। अब वोल्टेज सोर्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली अगर वोल्टेज सोर्स है तो जीरो रेजिस्टेंस होती है और अगर करंट सोर्स है तो हमारे पास इनफाइनाइट होती है। मींस अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे विद अ शॉर्ट वायर और अगर करंट सोर्स है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे विद एन ओपन सर्किट। तो अगर हम इस सर्किट को रीड्रा करें और एक वोल्टेज सोर्स को एट अ टाइम कंसीडर करें, लेट सपोज 10 वोल्ट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो 10 वोल्ट्स को कंसीडर करते हुए हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा कि इस सर्किट को हम रीड्रा कर लेते हैं। ये हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ से इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दिया विद अ शॉर्ट वायर। तो अब हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज भी यहाँ पे ले लेते हैं और करंट्स की वैल्यूज भी हम अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट सपोज ये R1 है हमारे पास, ओके ये R2 है एंड देन ये R3 है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी, इसको हम I1 का नाम दे देते हैं क्योंकि ये हम फर्स्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, और इसको हम I3 का नाम दे देते हैं क्योंकि ये जो करंट फ्लो होगा इससे वो I3 होगा, और इस करंट को हम I2 का नाम दे देते हैं। ओके, तो अब ये डिफरेंट करंट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। I1 फाइंड आउट कर लिया, I2 फाइंड आउट कर लिया और I3 फाइंड आउट कर लिया। देन कंसीडरिंग द सेकंड सर्किट और सेकंड वोल्टेज सोर्स को जब हम कंसीडर करेंगे तो फिर हम जो है डिफरेंट वैल्यूज कंसीडर करेंगे, I1 की, I2 की, I3 की, उसको हम डैशेस के साथ कंसीडर करेंगे। लेट सपोज अब ये जो सर्किट है, जो दूसरा सर्किट है, वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ से हम इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। इस वोल्टेज सोर्स को जब शॉर्ट करेंगे तो सर्किट कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। ओके, ये 20 वोल्ट का सोर्स, ये 10 वोल्ट का सोर्स था और ये 20 वोल्ट का सोर्स बन जाएगा। अब यहां से जो करंट फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, ये I2 हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और नोटेशन भी हम चेंज कर देंगे। दिस विल बी I2 और यहां से जो करंट फ्लो होगा दिस विल बी I3। यहां से जो करंट फ्लो होगा This will be I1।
ओके okay, तो अब जब हमारे पास ये दोनों करंट्स आ जाएंगे I1 सिंगल डैशेज वाले और I2 डबल डैशेज वाले, I1 डबल डैशेज वाले, तो फिर जो ओवरऑल टोटल करंट होगा वो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम करंट की डायरेक्शंस जो है वो देखनी है। ये जो करंट की डायरेक्शन है ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, और यहाँ पर ये जो I1 डबल डैश की डायरेक्शन है दैट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इसी तरह से यहाँ पर R3 से जो I3 की जो डायरेक्शन है, I3 डैश की डायरेक्शन और I3 डबल डैश की डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इन दोनों को हम ऐड अप कर देंगे। इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जिनकी डायरेक्शन सेम है उनको हम ऐड कर देंगे। तो I2 डैश की जो डायरेक्शन है और I2 डबल डैश की जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, ये डिफरेंट है दोनों की डायरेक्शन, तो इसीलिए इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मींस I2 डैश माइनस I2 डबल डैश कर देंगे, मींस जो ओवरऑल टोटल करंट आएगा दैट इज I1 जो आएगा, I1 विल बी इक्वल्स टू I1 सिंगल डैश माइनस I1 डबल डैश, इसी तरह से I2 होगा I2 सिंगल डैश माइनस I2 डबल डैश, और जो I3 होगा वो दोनों सिंगल डैश और डबल डैश ऐड अप कर देंगे हम, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर देखें ये I3 डैश की डायरेक्शन और I3 डबल डैश की डायरेक्शन दोनों की सेम डायरेक्शन है। ओके okay, इस तरह से जो है हम ओवरऑल करंट्स फाइंड आउट कर लेंगे I1, I2, I3 एंड इन सारी वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए I1 डैश को, I1 डबल डैश को, और फिर I2 डैश को, I2 डबल डैश को, और I3 डैश को, और I3 डबल डैश को। तो हम सर्किट को सॉल्व करते हैं एट अ टाइम एक सोर्स को कंसिडर करते हुए। ये सारी I1 डैश, I2 डैश, I3 डैश और I1 डबल डैश, I2 डबल डैश और I3 डबल डैश की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सर्किट हम कंसीडर कर लेते हैं। तो जब हम फर्स्ट सर्किट कंसीडर करेंगे वो कुछ इस तरह से ड्रा होगा। यहां से हमने शॉर्ट किया था तो यहां से हम शॉर्ट कर देंगे, और रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज भी हम अज्यूम कर लेते हैं। अभी लेट्स सपोज ये 5 ओम का रेजिस्टर है और ये 10 ओम का रेजिस्टर है, ये भी 10 ओम का रेजिस्टर है। तो यहां से जो करंट फ्लो होगा दिस विल बी I1 डैश क्योंकि ये R1 है और ये R2 था, तो R2 से जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी I2 सिंगल डैश और यहां से जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी I3 सिंगल डैश। ओके सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए R equivalent will be equals to what? यहां पे अगर हम देखें तो ये दोनों resistors parallel में connected हैं, तो इन दोनों को हम इनका जो combination है वो parallel ही solve करेंगे। So 10 ohm multiplied with 10 ohm and then divided by 10 plus 10 प्लस ये जो रेजिस्टर है ये हमारा सीरीज में कनेक्ट हुआ है, सो ये हम ऐड कर देंगे
सो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 5 + 5, इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा 5 आएगा, सो 5 + 5 इक्वल्स टू 10 ओम। आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के बाद अब हम आई टी फाइंड आउट करेंगे, टोटल करंट जो भी है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो टोटल करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई टी विल बी इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज वी टी एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस या आर इक्विवेलेंट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज हमारे पास 10 वोल्ट है एंड देन डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट दैट इज आल्सो 10 ओम। सो आंसर हमारे पास आ जाएगा आई टी इक्वल्स टू 1 एम्पीयर। ओके, आई टी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आई टी जो है वो बेसिकली आई वन डैश भी है, यहाँ पे जो टोटल करंट है वो यहाँ से ही फ्लो होगा इस रेजिस्टर से और ये आई वन डैश है, सो इसको हम आई वन डैश भी लिख सकते हैं। ओके, अभी हमें आई टू डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आई टू सिंगल डैश विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टोटल करंट हमारे पास ये सी डी आर लगाएंगे, सी डी आर अप्लाई करेंगे तो टोटल करंट हमने फाइंड आउट किया है दैट इज आई वन डैश। आई वन डैश की वैल्यू 1 एम्पेयर आई है, ये 1 एम्पेयर डिवाइड होगा यहाँ पर और यहाँ पर तो 10 1 एम्पेयर मल्टीप्लाइड विथ अपोजिट रेजिस्टर, क्योंकि ये करंट हमने फाइंड आउट करना है तो इसका जो अपोजिट रेजिस्टर है वो ये वाला रेजिस्टर है, सो ये भी 10 ओम का रेजिस्टर है, सो 1 मल्टीप्लाइड विथ 10 एंड देन डिवाइडेड बाय 10 + 10। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.5 एम्पीयर। ओके, तो आई टू डैश की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली दैट इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पीयर। अब हम आई थ्री डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो आई थ्री डैश की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन 1 एम्पीयर मल्टीप्लाइड विथ अपोजिट रेजिस्टर 10 ओम ही है और डिवाइडेड बाय 10 + 10 कर देंगे। सो अगेन हमारे पास आई थ्री डैश की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.5 एम्पीयर। ओके, हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं फॉर दिस सर्किट, जब हमने 10 वोल्ट जो है वो वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का कंसीडर किया। अब हम 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कंसीडर करेंगे एंड देन वी विल फाइंड ऑल ऑफ द वैल्यूज विद डबल डैशेस। ठीक है, तो अब हम वो सर्किट यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से ये शॉर्ट वायर होगा क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स अब हम कंसीडर नहीं करेंगे सेकंड वाला। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कंसीडर करेंगे, सो दिस विल बी ऑफ 20 वोल्ट्स और यहाँ पर जो रेजिस्टर था हमारे पास 10 ओम का था, यहाँ पर जो रेजिस्टर था ये भी 10 ओम का था और यहाँ पर जो रेजिस्टर था ये 5 ओम का था। ओके, यहां से जो करंट फ्लो होगा क्योंकि ये आई टू हमने कंसीडर किया था तो यहां से अब आई टू डबल डैश फ्लो होगा। यहां से जो करंट फ्लो होगा आई थ्री डबल डैश होगा, और यहां से जो करंट फ्लो होगा
वो आई वन डबल डैश होगा। अब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं। सो 5 मल्टीप्लाइड विथ 10। पैरेलल सर्किट्स को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, दो रेजिस्टर्स जब आपस में पैरेलल में हो तो न्यूमरेटर में दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में दोनों की जो वैल्यूज हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। सो 10 प्लस 10 यहाँ पे कर देंगे एंड देन प्लस ये वाला जो रजिस्टर है ये सीरीज में है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो 3.33 आएगा और ओवरऑल जो हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ये 10 ऐड कर देंगे 10 ओम तो 13.33 ओम जो है वो आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा। सो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है। सो टोटल करंट विल बी इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज हमारे पास 20 वोल्ट्स हैं एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ये हमने फाइंड आउट की है दैट इज इक्वल्स टू 13.33। आंसर इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.5 एम्पीयर। कि आईटी हमारे पास 1.5 एम्पीयर आ गया और अभी ये आईटी जो है वो आए 2 डबल डैश भी है। आई 2 डबल डैश फर्दर डिवाइड होगा यहां पर और यहां पर, मींस आई 3 डबल डैश में और आई 1 डबल डैश में। सो यहाँ पर CDR अप्लाई करेंगे। टोटल करंट हमारे पास 1.5 एम्पीयर है। फॉर फाइंडिंग आई वन डबल डैश हम अपोजिट रेजिस्टर जो कंसीडर करेंगे वो ये वाला करेंगे। सो टोटल करंट फॉर फाइंडिंग आई वन डबल डैश ये रेजिस्टर अपोजिट है इसको कंसीडर करेंगे। आई वन डबल डैश सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज इक्वल्स टू टोटल करंट 1.5 एंड मल्टीप्लाइड विथ अपोजिट रेजिस्टर। अपोजिट रेजिस्टर ये वाला है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला रेजिस्टर है 10 ओम वाला। सो 1.5 मल्टीप्लाइड विथ 10 एंड देन डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टर्स को ऐड कर देंगे। ये 5 ओम का रेजिस्टर और ये 10 ओम का रेजिस्टर दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आंसर देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। आई वन डबल डैश हमारे पास आ जाएगा 1 एम्पीयर। ओके अभी हमें आई टू डबल डैश सॉरी आई थ्री डबल डैश फाइंड आउट करना है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू आई थ्री डबल डैश इक्वल्स टू 1.5 एम्पीयर टोटल करंट दैट इज मल्टीप्लाइड विथ, अब हम फाइंड आउट करने आई थ्री डबल डैश जो कि ये है। तो आई थ्री डबल डैश फाइंड आउट करने के लिए अपोजिट रेजिस्टर जो कंसिडर होगा वो 5 ओम का होगा। सो टोटल करंट दैट इज 1.5 और अपोजिट रेजिस्टर 5 ओम कंसिडर करेंगे देन डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारे पास आई थ्री डबल डैश का वो हम देख लेते हैं क्या आंसर आता है। पॉइंट फाइव एम्पेयर आ जाएगा ओवरऑल। टोटल करंट हमारे पास 1.5 एम्पेयर था, 1 एम्पेयर ये हो गया तो
तो बाकी का 0.5 एम्पेयर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ओके, I3 डबल डैश की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम जो हमने फार्मूला यूज़ किया था यहाँ पर वो देख लेते हैं टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए। सो I1 इक्वल्स टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश और I2 इक्वल्स टू I2 डैश माइनस I2 डबल डैश एंड I3 इक्वल्स टू I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। सो I1 डैश की वैल्यू 1 एम्पेयर है, I2 डैश की वैल्यू 0.5 एम्पेयर है, I3 डैश की वैल्यू भी 0.5 एम्पेयर है। सो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं I1 टोटल करंट इक्वल्स टू I1 डैश की जो वैल्यू थी, दोबारा से हम इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि I1 डबल डैश हो जाएगा और I2 इक्वल्स टू दोनों ऐड होंगी वैल्यूज, क्योंकि दोनों सर्किट्स में जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है। यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है करंट की और यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही है। सो I3 इक्वल्स टू I3 डैश I3 डबल डैश, वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो I1 जो है इक्वल्स टू I1 डैश की जो वैल्यू थी वो 1 एम्पियर थी और I1 डबल डैश की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो भी 1 एम्पेयर आई है। सो दैट इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर। I2 की जो वैल्यू होगी ओवरऑल I2 सिंगल डैश, I2 सिंगल डैश की जो वैल्यू आई थी यहाँ पर वो 0.5 एम्पेयर आई थी। 0.5 एम्पेयर हम पुट कर देंगे वैल्यू। माइनस I2 डबल डैश की जो वैल्यू आई है वो 1.5 एम्पेयर आई है। आंसर हमारे पास आ जाएगा -1 एम्पीयर। अब हम I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल। I3 डैश की जो वैल्यू थी हमारे पास वो 3 डबल डैश की जो वैल्यू है वो भी 0.5 एम्पेयर है। सो यहां पर भी हमें 0 एम्पेयर करंट मिलेगा। सारी वैल्यूज हमने, अब हम सिमुलेशन से ये सारी वैल्यूज वेरीफाई करेंगे कि वाकई हमारे पास यही वैल्यूज सिमुलेशन में भी आती हैं या नहीं आती है।
अभी हम मल्टी सिम पे चलते हैं और वहाँ पर इस सर्किट को डिफरेंट सर्किट्स इस ओवरऑल सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद फिर जो है वैल्यूज हम देखेंगे। जब हम सर्किट इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पर वोल्टेज सोर्स हमें चाहिए डीसी पावर, ओके, रेजिस्टर्स हमें चाहिए, ओके, एक और वोल्टेज सोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा, कि अब हम सर्किट कनेक्ट करते हैं, इसको हम रोटेट कर लेते हैं, सर्किट कनेक्शन हम करते हैं, ये सर्किट कंस्ट्रक्ट हो गया। अभी हमें मल्टीमीटर्स यूज़ करने होंगे क्योंकि हमें करंट की वैल्यूज़ जो है वो नोट डाउन करनी है। यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स था ये 10 वोल्ट्स का था और ये जो वोल्टेज सोर्स था ये 20 वोल्ट्स का था, ये जो रेजिस्टर था ये 5 ओम का था, ये जो रेजिस्टर था ये 10 ओम का था, ये रजिस्टर भी 10 ओम का था। ओके, अब हम मल्टीमीटर्स यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, मल्टीमीटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से हम ब्रेक करते हैं, यहाँ से ओवरऑल I1 करंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हम I3 फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ से हम I2 फाइंड आउट करेंगे। वैल्यूज हम दोबारा से देख लेते हैं जो हमने फाइंड आउट की हैं। I2 की वैल्यू -1 एम्पियर है, I1 की वैल्यू 0 एम्पियर है और I3 की वैल्यू भी 0 एम्पियर है। ओके, ये मल्टीमीटर्स हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं। अब कनेक्ट करने के बाद हमें ग्राउंड भी रिक्वायर्ड होगा, ग्राउंड भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये ग्राउंड भी हमने सर्किट में कनेक्ट कर लिया, सर्किट हमारा कंप्लीट है। अभी हम सिमुलेशन रन करते हैं। हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की थी, इन दोनों को हमने ऐड अप करना है, तो ऐड करेंगे तो ये 1 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये 1 एम्पियर आ जाएगा, तो ऐड अप करने के बाद यहाँ पर 1 एम्पियर आ रहा है, मींस I3 जो है वो हमारे पास 1 एम्पियर आ रहा है और I2 जो है वो -1 एम्पियर आ रहा है। तो यहाँ पर अभी हम देखें, ये हमारे पास I2 है, तो I2 जो है -1 एम्पियर है, I2 -1 एम्पियर है, और जो I3 है वो ये वाला I3 है वो 1 एम्पियर है, तो I3 जो है वो 1 एम्पियर है। ठीक है, ये हमने एक मिस्टेक की थी कि माइनस कर दिया था, यहाँ पर हम प्लस करेंगे क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है दोनों सर्किट से वो सेम है। तो जब ऐड कर देंगे तो ये 1 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने सिमुलेशन देखी, तो सिमुलेशन में ये जो है 0 एम्पियर के करीब है, माइक्रो एम्पियर्स में वैल्यू है इसकी, तो ये 0 के इक्वल है।
तकरीबन, और ये जो है 1 एम्पेयर है, वहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया I3 वो 1 एम्पेयर ही था, और यहाँ पर जो I2 है वो -1 एम्पेयर है, वहाँ पर हमने I2 जो ओवरऑल करंट देखा था वो -1 एम्पेयर ही था। तो सुपरपोजिशन थ्योरम को हमने वेरीफाई कर लिया है मल्टीसिम सिमुलेशंस के थ्रू, और हमने कैलकुलेशन भी देख ली है। कैलकुलेशंस और जो हमारी सिमुलेशंस हैं वो दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास सेम हैं, तो इसलिए हमारा जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो वेरीफाई हो गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम, और हमने सुपरपोजिशन थ्योरम को वेरीफाई कर लिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में जो है मिलेंगे इंशाल्लाह।